सभी मित्रों को नमस्कार। माय बर्थ प्लेस नीराज सी चौधरी जी का लिखा हुआ जो ऐसे है उसकी हिंदी समरी मैं लेकर आया हूँ। आशा करूँगा कि पसंद आएगा। माय बर्थ प्लेस मीन्स मेरी जन्मभूमि। मेरी जन्मभूमि नामक पाठ लेखक की पुस्तक एक अजनबी की आत्मकथा का प्रथम अध्याय है। इस अध्याय में लेखक ने एक गांव किशोरगंज का वर्णन किया है जहां कि वह पैदा हुआ था। जब लेखक इंग्लैंड में था तो इस गांव की स्मृतियां उसके मस्तिष्क पर छाई रहीं। इसमें उसने ब्रह्मपुत्र नदी का भी वर्णन किया, विशेषकर वर्षा ऋतु में जबकि इसमें काफ़ी पानी आ जाता है तथा वह रोमांचकारी स्थिति पैदा कर देती है। नीराज चौधरी का जन्म इस गांव किशोरगंज में हुआ था जो कि अब बांग्लादेश में है। वह कहता है कि भारत के एक गांव की तुलना इंग्लैंड के किसी गांव काउंटी से नहीं की जा सकती। किशोरगंज एक अनुविभाग था जो कि जिला मुख्यालय से दूसरे नंबर पर था। जिले में कलेक्टर का निवास था। ऐसे अनेक स्थानों में से था जहां पर स्कूल, कार्यालय, दुकानें तथा रिहायशी मकानों की छतें छप्पर नुमा थीं, झोंपड़ी नुमा थीं। बस्ती की सभी इमारतें हल्की तथा दरारों युक्त थीं। केवल एक तूफान ही उसे धाराशाही करने के लिए काफ़ी था जिससे शहर तथा कस्बे में कोई अंतर नहीं रहेगा। ऐसा तूफान 1919 की वर्ष में आया था। वहाँ एक नदी थी जो कुछ स्थानों पर उथली थी। जहाँ पर वह गहरी थी लोग उसकी पूजा करते थे। नदी के गड्ढे भूतकाल के अपने उस महत्व को दर्शाते थे जो कि एक अमीर मनुष्य के कार्यों के समान था जो अब गरीब हो गया है। पर ब्रह्मपुत्र नदी गहरी, ठंडी तथा घनी थी। वह मिस्र की नील नदी के समान थी और वह शहर उसका वरदान था। इस नदी में आदमी ही नहीं बल्कि जानवर भी नहाते थे तथा सफाई करते थे। उस समय बंगाल में ईंटों के मकान एक असामान्य बात थी। वहाँ पर एक टूटी फूटी मस्जिद ईंटों की बनी थी जो कि रोशनी एवं आकाश में सीधे खड़ी थी। मानसून के समय नदी पानी से भर जाती थी, उसमें नाव खेना संभव होता था। बहुत से मेहमान मानसून के समय वहाँ आते थे। सबसे पहले मेंढक होते थे जो कि दिन रात चिल्लाते रहते थे। जब जोंक आते थे जो कि कभी कभी आदमी की पीठ, बाहों या पैर के नीचे के भाग पर चिपक कर दर्द पैदा करती थी। बहुत से किसान भी वहाँ पर झोंपड़ियों से अपनी मछलियाँ पकड़ने का यंत्र लेकर बाहर आ जाते थे। वे मछलियाँ पकड़ते थे परंतु वहाँ कुछ नावें भी दिखाई पड़ती थीं। जिन लोगों के लोग वहाँ यात्रा करने आते थे, अगस्त सितंबर के महीने में एक नावों की प्रतियोगिता होती थी जहां सभी नावें दौड़ती थीं। एक बड़ी भीड़ दौड़ को देखने आती थी। उस दौड़ को समीप से देखने के लिए कुछ लोग छोटी नावों में बैठकर उसके पास चले जाते थे। नदी ही नहीं बल्कि भूमि भी वर्षा के दिनों में मनोरंजक दिखाई देती थी। इस प्रकार सभी चीज़ें भीग जाती थी। लोगों को अपने कपड़े सुखाने एक कठिन बात लगती थी। सभी जगह गीलापन हो जाता था। कभी कभी पानी मकानों में घुस जाता था। तब मकान एक कमरे से दूसरे में भी जाना तब मकान के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना भी कठिन हो जाता था। चलने के लिए बिना भीगी ईंटों का प्रयोग किया जाता था ताकि उस पर चलते समय पैर रखे जा सके। अधिक जल के कारण मकान भी पोखर जैसी लगती थी। कुछ स्थानों पर पल मायरा के वृक्ष जल के मध्य थे। वे बहुत ही सुंदर दृश्य
दिखाई पड़ते थे, बहुत ही सुंदर लगते थे। धन्यवाद। भारत के एक गांव की तुलना इंग्लैंड के किसी गांव काउंटी से नहीं